संतोष सर, एपीएल अपोलो कैसा दिखता है? एपीएल अपोलो ट्यूब्स, एपीएल अपोलो ट्यूब्स ओके। जी। कंसोलिडेशन बेसिकली, अगर आप थोड़ी सी लंबी अवधि का चार्ट देखें तो बेसिकली एपीएल अपोलो ट्यूब्स में कंसोलिडेशन है। सिमिलर जैसे कि मार्केट में कंसोलिडेशन है, एकदम इन द सेम लाइन यहाँ पर भी कंसोलिडेशन दिख रहा है। मार्केट में एक बाउंस आया है, लेकिन इस चार्ट पे बाउंस नहीं दिख रहा है। मतलब जहां पर मार्केट से अंडर परफॉर्मेंस है, अच्छी कंपनी है, कह लें फंडामेंटली काफी अच्छी कंपनी है, और थोड़े से महंगा शेयर जरूर अच्छे से महंगे मिलते हैं, लेकिन अगर मार्केट के साथ पिक नहीं कर रहा है कोई भी स्टॉक, तो वहां पर थोड़ी सी सावधानी बरती जानी चाहिए। क्योंकि ऐसे स्टॉक, और कभी कभी एक चीज और भी होती है एलेक्स जी, की जो मिड कैप के स्टॉक होते हैं थोड़ा लेट पिकअप करते हैं, क्योंकि पहले बेलवेदर स्टॉक चलते हैं, उसके बाद छोटे छोटे चलते हैं। जैसे कि जब सेनाएं लड़ रही होती हैं, तो जो सामने एक एक, एक बलशाली फोर्स को रखा जाता है, पीछे थोड़े कमजोर लोगों को रखा जाता है। तो वो जब चले जाएंगे तो पीछे वाले फिर बाद में आते हैं, उनको उत्साह तब तो बनता है जब आगे फोर्स आगे और बढ़ने लगती है। तो जो बड़ी कंपनियां हैं वो अगर चलेंगी, मतलब निफ्टी अगर अच्छी तरह से चलेगा, तो छोटे स्टॉक्स थोड़े बाद में चलते हैं। तो इस पर नजर जरूर रखें, ये स्टॉक में जो तेजी आएगी हो सकता है कि 923-25 रुपए के ऊपर अगर चलता है ये स्टॉक तो होगी, और इस स्टॉक में जब वो चलेगा तो 1100 रुपए तक के लेवल आ सकते हैं। ये रहा है एपीएल अपोलो ट्यूब्स।